नए हॉल बने हैं, ये सामने वो बिल्डिंग है जहाँ पे ट्रेड फेयर लगा है, तो चलते हैं। और ये देखिए साइड में कितने अच्छे फाउंटेन लगाए हुए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और क्या क्या है मेले में सब आपको दिखाएंगे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सारी वीडियो जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं हॉल नंबर 2 में, तो अब हम इसमें एंट्री करेंगे और देखते हैं इसमें क्या क्या है। और जैसे ही हम हॉल में एंट्री करेंगे, ये एंट्री गेट है और इसकी थीम है लोकल टू ग्लोबल और वोकल फॉर लोकल, ये इसकी थीम है। तो देखिए कितना अच्छे से इन्होंने डेकोरेट किया है। अब हम चलेंगे अंदर। ये हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश, बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है। तो जैसे ही हम और ये हमने एंट्री करी है और ये देखिए आज ही इस मेले की ओपनिंग हुई है, तो ये बहुत अच्छे से सजा हुआ है। और ये बता रहे हैं यहाँ पर भैया चंदन के तेल में। और ये देखिए यहाँ पर उत्तर आने वाले उत्तर प्रदेश का कैसा मतलब कैसा बनेगा वो सब दिखाया हुआ है। और यहाँ पे दिखाया हुआ है राम मंदिर। स्टॉल नंबर 1 फैंसी आपको स्टूल मिल जाएंगे इस साइड पे। बड़ा बैट है, तो आपको जो क्रिकेट के शौकीन हैं उनके लिए बैट बॉल पूरी किट मिल जाएगी यहाँ पर। 32 किलो का घंटा है जी, कितने का है? 50,000 फ्रॉम कन्नौज। ये देखिए तो आप क्या। और इसी के साथ यहाँ पर है ये पत्थर वालों का मतलब ये शोपीस जो है वो काफ़ी मिल। भाई अब मैं आपको दिखाती हूँ ताला। जी हाँ ये देखिए अलीगढ़ के मशहूर ताले होते हैं, तो ये देखिए अलीगढ़ का मशहूर ताले वालों का भी यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। ताला तो है ही बड़ा, बाकी आप चाबी भी देख लीजिए कितनी बड़ी है। तो ये देखिए किस चीज का बन रहा है ये मेरा उलन होता है, सिल्क होता है, जो थ्रेड इसका होता है वो उलन और सिल्क में बनाया जाता है, और इसका धागा होता है काटन का धागे के ऊपर बनाया जाता है हैंडमेड का। रेट बताओ। ये मेरा 5x7 का है, ये 1000 पर स्क्वायर फीट का कारपेट है और कम से कम 2000 से शुरू है हमारे पास। क्या रेट है भैया राधा कृष्ण जी का? 195। हाँ जी 195 इन राधा कृष्ण जी का रेट। शो पीस है ये देखिए कान्हा जी। और ये राम दरबार बताइएगा
75,000 का है ये राम दरबार। हम थे उत्तर प्रदेश और अब हम आ गए हैं बिहार, और आप देख रहे हैं ये बिहार वाला हॉल है जो कि काफ़ी खूबसूरत सजाया गया है। यहाँ पर जो है मधुबनी पेंटिंग लगाई हुई है। और अब हम आ गए हैं बिहार पवेलियन में, तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। बिहार की जो पहचान है वो है मधुबनी पेंटिंग, जो कि स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगी, और इसके रेट जो है वो अलग अलग ही हैं। भैया कितने से स्टार्ट है इसका? 150 से स्टार्ट है। 150 से, और हाई कितना है मतलब? मैक्स कितना तक है? मैक्सिमम कितना है इसका? 45,000-50,000। 150 से स्टार्ट होती है इसकी रेंज, और आपको ये 40,000-45,000 तक मिल जाएगी। और ये देखिए साड़ियों पे भी ये पेंटिंग होती है। सजाया हुआ है ये किसका बना हुआ है भैया? जूट का ये बना हुआ है। भाई ये सब मधुबनी पेंटिंग है, ये इसको क्या बोलते हैं? ये भी मधुबनी पेंटिंग का दुपट्टा है। और सामने आप देखिए कितना सुंदर गेट बनाया हुआ है। और अब हम आ गए हैं महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल। और अब हम आ गए हैं महाराष्ट्र वाले पवेलियन में, और यहाँ से ये सारा शुरू होता है। चित्र वारली का है। वारली पेंटिंग है, चित्र वारली का वारली पेंटिंग है, आदिवासी का। और ये हैंडीक्राफ्ट एंड आर्ट क्राफ्ट, अच्छा बंजारा टाइप का ड्रेस का है ये, इस टाइप का है ये बंजारा ड्रेस। ये एड्रेस है भैया का, इस टाइप का। देखिए कितना अच्छे से इन्होंने। और अब हम आ गए हैं झारखंड पवेलियन में, और यहाँ पर अभी ओपन होने वाला है, और ये सब रेडी होकर खड़े हुए हैं। और अब हमने झारखंड पवेलियन में एंट्री कर ली है। सामने है जी बिरसा मुंडा जी। और यहाँ पे कुछ पेंटिंग हो रही है, तो मैम से पूछते हैं क्या पेंटिंग है, तो मैम बताइएगा। हाँ, ये हम लोग चूँकि झारखंड पवेलियन है, तो हम लोग झारखंड से हैं, तो ये झारखंड का ट्राइबल आर्ट है, ट्रेडिशनल आर्ट है झारखंड स्टेट का, जिसको 2021 में फर्स्ट टाइम GI मिला। ये झारखंड का पहला GI है, ये सोराई पेंटिंग है। यस, और ये आर्ट इसलिए भी स्पेशल है बिकॉज ऑफ ये विमेन एम्पावरमेंट, मैंने ये इसको सिर्फ महिला लोग बनाती हैं। अच्छा, तो हमारे यहाँ हजारीबाग झारखंड में मोर देन 12 से भी ज़्यादा कम्युनिटी के लोग हैं, ट्राइब्स के लोग हैं, जिसको जो अलग अलग स्टाइल में डिज़ाइन में ये पेंटिंग्स बनाते हैं, ये इसका यूनिकनेस है। तो मैम ने बहुत अच्छे से बताया इस पेंटिंग के बारे में, थैंक यू मैम। मैम अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम अलका है, झारखंड से। कुर्ता बोलते हैं ये। देखिए ये जैकेट हो गया, जैकेट है ट्राइबल जैकेट 2500 की रेंज में, और ये कुर्ते मिल जाएंगे आपको 800 की रेंज में। रेट सबके अलग अलग हैं, शॉल है, स्टॉल है, बच्चों की जैकेट्स हैं, पर्स है, इस टाइप के। ये साड़ी है ना? ये देखिए ये साड़ी है, ये साड़ी इसका रेंज है 2500। ये ब्रास का कप बॉटल बने हुए थे,
ये वही जूट के बैग हैं। ट्राइबल ज्वेलरी। मेरा नाम गीता वर्मा है मैम, मैं झारखंड से आई हूँ। ये झारखंड का ट्राइबल ज्वेलरी है, इसको हंसली बोलते हैं। ये हाथ का कड़ा है, इसको ठेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठेला बोलते हैं। ठेला, ये हमारा मतलब झारखंड का भाषा है। झारखंड में इसको ठेला बोलते हैं। कितनी सुंदर इन्होंने वॉल हैंगिंग है। ये किसी किस में है? ये कांच में है? नहीं, लाख में है मेरा। ये लाख में सब लाख। क्या प्राइस है इसका? 500। हमारे यहाँ बहुत डिजाइन है मैडम, झारखंड ये हम लोग के अपनी अपना मैन्युफैक्चरर है। ये जितना भी है ये सब लाख में है? सब लाख। ये देखिए, ये लाख में आपको यहाँ पे चूड़ियाँ मिल जाएंगी। और ये भैया का खुद ही मैन्युफैक्चरिंग है। ये कार्ड पेन का शॉप नंबर है। कोरियर कर देते हैं जी? ये कोरियर कर देते हैं। और फ्रेंड, अब हम आ गए हैं खादी इंडिया। और जैसे ही आई लव खादी, आई लव खादी। और ये देखिए, आपको यहाँ पे खादी के कुर्ते, ब्लाउज, शर्ट मिल जाएंगी। प्योर खादी, प्योर खादी। ये रोटी लेकर है, रोटी का। थैंक यू। एंट्री करेंगे, जैसे ही एंट्री करते ही यहाँ पर आपको खादी के कपड़े मिल जाएंगे और हर्बल आइटम मिल जाएंगी, शैम्पू, परफ्यूम, शहद, सोप, मुल्तानी मिट्टी, काफ़ी आइटम मिल जाएगी आपको। और आपको यहाँ पे मिल जाएगा जी गांधी जी का चरखा। आपको यहाँ पे सब तरीके के कपड़े मिल जाएंगे, जैकेट, स्वेटर, शॉल, स्टॉल, और आपको सूट, चादर, मतलब सब कुछ मिलेगा आपको। देखिए, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा लगा हुआ है ये खादी इंडिया करके। ये देखिए, आपको फुलकारी के अंदर इस तरीके के सूट, दुपट्टे मिल जाएंगे। और ये देखिए, पंजाब की जुतियाँ। और पैकेट्स मिलेंगे चिप्स, वेफर्स के, चना, पीनट्स, चना दाल चाट। ये सारा जो है हॉल नंबर 3, वो खादी का ही लगा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने। और ये देखिए, यहाँ पर इस टाइप के शो पीस भी बने हुए हैं। ये किस चीज़ के हैं? ये लेदर में। क्या है इनका प्राइस? 400। ये वाला ये 400 का है। और इस टूल का ये 1500। ये 1500 का, ये लेदर में कह रहे हैं भैया। तो आपको यहाँ पर इस टाइप के शो पीस मिल जाएंगे। ये देखिए, मेन गेट के लिए एलिफेंट भी लगा हुआ है, तो काफ़ी एनिमल बनाए हुए हैं। बेल्ट है, शो पीस हैं ये, आप दीवार पे भी टांग सकते हैं, वैसे भी घर पे कहीं कॉर्नर पे रख सकते हैं। ये देखिए, गणेश जी हैं, इस टाइप के बहुत ही सुंदर हैं। मैम, किस नाम से है आपका? जनविकास शक्ति फाउंडेशन हमारी संस्था है, फाउंडेशन है, महिला सशक्तिकरण, महिला रोजगार के लिए काम करते हैं। महिलाओं के द्वारा बनाए हुए इसकी प्रदर्शनी लगा रही है। आप ये देखिए, जैसे माता जी बनी हुई है, भगवान है, तो ये पूरा क्ले का बना है, मिट्टी का, और इस पर जो डेकोरेशन हुआ ना, धान का हुआ है। तो मतलब ये उनका रोजगार भी हो गया और ये भगवान का भी एक पॉजिटिव साइंस भी हो गया और प्रकृति को भी नुकसान नहीं होगा। अगर एक डिस्को होगा तो ये पूरा मिट्टी में मिलकर और धान बीज बन के काम। बिल्कुल।
यहाँ पे आपको लैंप मिल जाएंगे इस टाइप के हैंगिंग में, रेट सबके अलग अलग हैं। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल लाइट्स लग रही हैं, ये सारे लैंप शेड लगे हुए हैं। रेट भैया रेट बताएंगे आप इसके? 600 की रेंज में है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है टॉयलेट भी अवेलेबल है। और फ्रेंड अब सामने आप देख रहे हैं वेलकम अफ़गानिस्तान, तो अब हम जा रहे हैं अफ़गानिस्तान। ये देखिए ये सारा जो है ये अफ़गानिस्तान का ही है, और ये सब जो है स्टोन का है। कितने हैवी हैवी यहाँ पर ये सूट लगे हुए हैं, ये कुछ क्या बोलते हैं इनको, फुल सूट है, हैंडवर्क का ये हैंडवर्क है, ये दुपट्टा इसके साथ वेलवेट के अंदर कुछ काम हुआ हुआ है, गाउन, ये टॉप और पजामा है, सूट्स लगे हुए हैं। मैम है ब्लॉग बन रहे हैं मैम। मैम कहाँ से आप? मैम हम लोग अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान दिखाइए ना, कोई अच्छा सा सूट दिखाइए फिर। मैम ने पहना हुआ है। हाँ ये देखिए मैम ने ही पहना हुआ है, ये वाला सूट मैम ने पहना है, वो इस टाइप का सेट आ जाएगा। इसके ऊपर ये आपका वर्क आएगा, हैंडवर्क आएगा, ये पूरा हैंडवर्क के साथ आएगा। इसमें कलर्स बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, कलर्स भी दिखा दो। कलर है और ये शॉप है अफगानिस्तान से, ये दोनों मैम हैं, कलर दिखाई दे। रेट भी बता दो मैम एक बार। मैम 5500 का है। नेपाल के स्टॉल लगा हुआ है इधर, ये देखिए पोचू लगे हुए हैं, ये नेपाल का स्टॉल है और ये भी नेपाल का ही है। ये प्रे व्हील बोलते हैं इसको, इसके अंदर मंत्र भी है। हेलो। और ये है इस्तांबुल तुर्की, ये देखिए पूरे शेड लगे हुए हैं वहाँ से वहाँ तक, और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस टाइप की प्लेट्स हैं, वन पीस 1500 रुपये, टू पीस 2000 रुपीस। ये देखिए ये बाउल्स है इस्तांबुल, और ये देखिए ये जो कोकोनट होते हैं उसके जो छिलके होते हैं उससे इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी आइटम बनाई हुई है। सर कहाँ से? बिहार से। ये सब कोकोनट के उसके ही छिलके का, ये देखिए सारा हैंडमेड है ये। तो जैसा लिखा है अब मंजिल दूर नहीं, जी हाँ। ये देखिए ये आप सामने ये जो मॉडल देख रहे हैं मेट्रो का है, ये दिल्ली से मेरठ के लिए बन रहा है, ये मैप बनाया हुआ है और ये इसकी कनेक्टिविटी दिखाई हुई है। और ये तो सामने आप देखेंगे इनकम टैक्स का है, इधर शेयर मार्केट का है, ये रिज़र्व बैंक का लगा हुआ है, यहाँ पर आयकर विभाग का लगा हुआ है, और इधर लगा है मिनिस्ट्री ऑफ पावर का लगा है, ये पोस्ट ऑफिस है। तो यहाँ पर जितने भी पवेलियन लगे हुए हैं ये सारे गवर्नमेंट के लगे हुए हैं। ये सब वुडन में ही है ना भैया? जी सारे वुड में, ये वुड में है, ये देखिए।
बताइए क्या क्या है ये, कौन सी वुड है? सारी ही कैमा वुड है। कैमा वुड कहता है सैंडल वुड, चंदन वुड है, लोटस चंडी वुड है। उसमें क्वालिटी है कि खुशबू नहीं आती है, अच्छा चंदन वाली, लेकिन है ये कैमा वुड। मूर्ति सारे हैंडमेड, ये मटेरियल है सारे हैंडमेड, सारे प्योर हैंडमेड है ये। और आप ये देखिए लाइव क्लोज हो जाती है, और इसमें जी आई प्रोडक्ट है, ये अपना जी आई प्रोडक्ट है ये, इसमें जी आई में लोगो हो चुका है, रजिस्टर्ड हो चुका है। सारी नकासी ए से लेकर जेड तक सारे प्योर हैंडमेड है। इनको एक पीस रेडी करने में इस पे हमें 15 दिन का समय लगता है, 15 डेज। नीचे बॉक्स, नीचे बॉक्स है, जी जी, ये ओपन हो जाता है। इसमें आप कॉटन में कुछ फ्रेगरेंस के लिए कोई परफ्यूम डाल कर रख सकते हो, उससे स्मेल बहुत अच्छा है। और ये देखिए ये बंद भी हो जाता है, और ये देखिए भैया ये खोल गया। और ये सिफ्टी पर जैसा है कि अभी बुद्ध जी हैं, जैन आप लक्ष्मी जी, सरस्वती जी ऑर्डर सिफ्ट। काली मिट्टी के बने हुए ये। अभी आपने देखा पीयूष गोयल जी आए हुए थे, जैसा कि बताया आज ही ओपनिंग हुई है इसकी, इनॉग्रेशन सेरेमनी होने वाली है यहाँ पर। पीयूष गोयल जी आने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था अभी।